सलमान खान और कंट्रोवर्सी जैसे हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। सलमान खान की फिल्म हो और उनकी इवेंट कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वेल, सल्लू मियां की अपकमिंग फिल्म भारत के प्रमोशंस के लिए सलमान खान और उनकी खास कटरीना कैफ जमीन आसमान एक कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने हर एक प्रमोशन के दौरान सलमान खान प्रियंका चोपड़ा जोनस का नाम लेना नहीं भूलते। उन्होंने फिल्म छोड़ी, इसीलिए सलमान उन पर हर इंटरव्यू में ताना मार रहे हैं। सलमान के बार बार प्रियंका को टारगेट करने को लेकर सिंगर सोना मोहापात्रा ने प्रियंका की साइड ली और सलमान के खिलाफ ट्विटर पर बातें लिखी। सोना की इसी हरकत पर उन्हें मिल रहे हैं डेथ थ्रेट्स। यस, सोना टुक टू सोशल मीडिया एंड शेयर्ड स्क्रीनशॉट्स। सोना ट्वीटेड अटैचिंग अ स्क्रीनशॉट एंड रोट, सच एंड सच मेल्स कम माई वे रेगुलरली फ्रॉम द फॉलोअर्स ऑफ दिस हीरो ऑफ बैड बिहेवियर। This beacon of human values who inspire such serial toxic behavior is actually claiming the title of Bharat, drawing parallels with a great nation, nothing lesser. Bata de ki us troll mein likha tha, once again if you tell anything bad about Salman Khan from bloody f***ing mouth, I will get into your house and kill you. It's the final warning you s***. Darasal hua ye ki Salman Khan ne Priyanka Chopra Jonas ke film Bharat Chhodne par likha tha, she over Bharat did choose USA in the nick of time. She has worked so hard all her life, okay? And when she got the biggest film of her life, she dumped that film and got married. You know, hats off. Usually people leave their husbands for a film like this. Jis par Sona Mohapatra apna gussa kabu nahi kar pai aur unhone is par apna jawab dete hue likha, cause Priyanka Chopra has better things to do in life. Real men to hang out with and more importantly, girls to inspire with her journey. इन सब बातों से ये लगता है कि जैसे सलमान खान से इंडस्ट्री में कोई भी पंगा लेता है तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन ये सब किस हद तक सही है, आपको क्या लगता है? आपके व्यूज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।